हेलो दोस्तों, कैसे मेरा प्रतीक और आप देख रहे हो ब्रेकिंग मोटिवेशन में। तो भाई लोग, जो कस्टमर इस बार आए हैं वो लेके आया बुलेट क्लासिक और स्पेशल आया है ऋषिकेश से, उत्तराखंड से, और उनको यहाँ पे थोड़ा कुछ काम था तो वो आए। उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वहाँ पे, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था मुझसे बहुत पहले। तो उनको लेमिनेशन करवाना था, MC कवर लगाना था और मोबाइल स्टैंड लगाना था सिमटेक का, और हेडलाइट लगानी थी। उन्होंने देखना था हेडलाइट यहाँ के, तो उन्होंने पसंद किया। 5-star हेडलाइट है HJG की ओरिजिनल, जो इस वीडियो में देखोगे। लेमिनेशन देखोगे आप 3-layer वाली, जिसमें 3 layer होगा। काफ़ी अच्छी लेमिनेशन है, शाइनिंग काफ़ी अच्छी है। तो भाई तो बाइक छोड़ के चले गए थे अपने काम पे मेरे भरोसे। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने हिसाब से कर देना। लद्दाख फ्लैग भी लगाया था, बैकरेस्ट विद कैरियर भी लगाया था, क्योंकि वो राइडर है, उनका इंस्टाग्राम चैनल है, वो घूमते रहते हैं पहाड़ियों में, माउंटेन्स में। बाकी उन्होंने पास पैक करवाया था कुछ सामान, जैसे चेन क्या कहते हैं, ब्रश हो गया, स्प्रे हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गया जो आगे लगता है, जिसमें GoPro आप मोबाइल दोनों लगा सकते हो हेलमेट में। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पैक भी करवाई थी, पार्किंग मतलब छोटे मोटे चीज़ें लगे इसके अंदर। तो बाकी थोड़ा बहुत उनका काम भी था ब्रेक का, तो वो मेरे मैकेनिक ने कर दिया था। तो इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा क्या खर्चा आया इनके बाइक का और बुलेट का, कितना हुआ टाइम पे, और टोटल कितनी कॉस्ट पड़ी इनको अप्रॉक्स, सब कुछ मिला के जो इन्होंने लिया है मुझसे सामान। तो देर ना करते वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, पहले बता दूं कि अगर किसी को बाइक ऐसे रेडी वेडी करवानी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ऐसे बाइकें रेडी होती है तो मैं यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम मेरे पेज में डालता है, तो प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस बार ऑफर रखा हुआ है, जो आएगा वीडियो देख के 10% एक्स्ट्रा ऑफ होगा टोटल बिल पे, लेबर चार्जेस उसमें इंक्लूड नहीं होगा। और जो मुझसे मंगाता है सामान, चाहे कुछ भी सामान मंगाता हो, उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज, शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होगा, COD नहीं होगा, पहले बता दूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा लगा रखा है इस बार ऑफर, तो प्लीज़ आइए, फ़ायदा उठाइए इस ऑफर का। 10 दिन के लिए वैलिड है, जब ये वीडियो डलेगी उसके 10 दिन तक। तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं कैसे एलिमिनेशन हो रही है और क्या क्या लगा इस बाइक पे, सिमटेक का मोबाइल होल्डर कैसा है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब चालू हो गया है। ये 3-layer लेमिनेशन है, काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा क्लीन होती है ये 2-layer से कंपैरिजन करें तो। इसका भाई का प्राइस लगा था 2000 रुपीज़। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ताकि ये फटाफट वीडियो चले, वरना बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं अच्छी तरह, ताकि कोई पहले के कोई दाग वाग ना हो या कुछ स्क्रैचेस वगैरह ना हो, जितना हो सके हम क्लीन करते हैं। जो प्रॉपर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं वो ज़रूर रह जाते हैं, लेकिन जितना हो सके हम सबसे पहले क्लीन करते हैं इसको। फिर उसके बाद लेमिनेशन चढ़ाई जाती है, देखते हैं कि लेमिनेशन कितनी लगनी है, क्या है, कोई ज़्यादा वेस्टेज ना हो। तो ये कवर करते हैं पूरा अच्छी तरह। अब आप पूरी वीडियो देखो लेमिनेशन की, जैसे लेमिनेशन ख़त्म होती है तो मैं वापस आता हूँ, पूरी वीडियो देखो कि कैसे हो रहा है और कैसे चल रहा है, कैसे लगा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये 3-layer लेमिनेशन है, 2-layer नहीं है। ये 2000 रुपीज़ का आता है पूरा, ठीक है। 2-layer करवाना हो तो 1200 है, 3-layer करवाना हो तो ये आपको पड़ेगा 2000 रुपीज़ का। तो बहुत अच्छी लेमिनेशन है, पूरी वीडियो देखे लेमिनेशन तक की। जैसे ही ख़त्म होती है लेमिनेशन मैं आता हूँ वापस।
अब लेमिनेशन पूरी हो गई, आप देख सकते हो पूरा अच्छी तरह इसमें लेमिनेशन किया गया है, काफ़ी क्लीन है, 3 लेयर में बहुत अच्छी लेमिनेशन है। और भाई ने कहा था MC कवर लगाने के लिए, हमने MC कवर लगाया है, आर ऊपर आता है, नीचे क्लासिक आता है। और भाई ने ये भी कहा था कि मेरे को ना कैरियर चाहिए जिसमें सामान रख सकूँ, तो हमने ये सजेस्ट किया था कैरियर। काफ़ी अच्छा वेट है इसमें, और मतलब वेट काफ़ी सहलेगा, काफ़ी आप सामान रख सकते हो इसके अंदर। ये बैकर्स भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है ये लगाया है हमने। उसके बाद भाई ने कहा था हेडलाइट लगाने के लिए, तो हमने हेडलाइट सजेस्ट किया, 5 स्टार HJG की है, ओरिजिनल है बिल्कुल, काफ़ी तेज़ रोशनी है 110 वाट की। रात हो गई थी करते करते। और एक और चीज़ भाई ने कहा था कि मेरे को मोबाइल होल्डर भी चाहिए, तो मोबाइल होल्डर हमने लगाया सिमटेक का, इसमें आपको 18 मंथ्स की गारंटी मिलती है, ख़राब होगा सीधा नया मिलेगा। क्विक QC 3.0 है, फास्ट चार्जिंग में आता है ये, और ये मतलब लाइट लग रही है, हज़ार्ड भी और लगाया था भाई ने, और आप देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर पूरा कवर हटा दिया है, ये बहुत अच्छी हेडलाइट है, काफ़ी चलने वाली है, थार में भी लगती है रोशनी, आप देख सकते हो ये गाड़ी ऑन करने पे ऐसी लाइट जलती है। और ये हमने पार्किंग बल्ब सजेस्ट किया था भाई को, एक रेड और एक ब्लू, उनको काफ़ी अच्छा लगा ये कलर। और अब आप देखोगे कि हम इसको हाई बीम में चलाएंगे, आप देखो तो हाई बीम में ऐसे येलो कलर चलता है, तो काफ़ी तेज़ रोशनी है इसकी, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी है, आप यकीन नहीं करोगे बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी। अब भाई की बाइक रेडी हो चुकी है, अब आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लेमिनेशन हुई है, क्लीन आपको दिखा रहा हूँ कि ये 3 लेयर लेमिनेशन है, और इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे इसका टचअप आ रहा है फाइनल। और ये आपको पता है MC कवर लगाया था, फुल गाड़ी रेडी हो चुकी है, मैं अब एक एक करके सबको दिखा रहा हूँ आपको। ये स्विचेस लगे थे मिंडा के इसमें, और सिमटेक का मोबाइल मोबाइल स्टैंड लगा था इसमें, और इसमें क्वालिटी दिखा रहा हूँ टंकी में जो लेमिनेशन यूज़ हुई है, कैसे इसमें फील आ रहा है। और आप देख सकते हो इसमें 3 लेयर में फ्लैश लाइट मैंने ऑन की है, यहाँ पे भी क्या कहते हैं लेमिनेशन हुई है 3 लेयर में, और पीछे भी थोड़ी सी हुई है लेमिनेशन, जहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड और आर्मी लिखा हुआ है। ये कैरियर लगा है, बैकरेस्ट है, और इसमें फ्लैशर ऑन किया हुआ है, आप देख सकते हो इंडिकेटर चल रहा है इसमें, और क्या कहते हैं यहाँ पर भी हमने किया है इसमें साथ में लेमिनेशन, और यहाँ पर भी फाइनल टचअप आप टैंकी देख सकते हो। हाँ जी भाई लोग, कैसी लगी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो ये बाइक का खर्चा अप्रोक्स इनका पड़ गया था 8000 के आसपास, जो इनका सिर्फ जो इनका सामान था, बाकी उनका स्पेयर पार्ट्स भी थोड़े बहुत लिए थे, ब्रेक का जो मैंने आपको बताया था उसका काम था, तो उसके 650 के अराउंड का खर्चा आया था, तो अप्रोक्स इनका 9000 के अराउंड खर्चा आ गया था स्पेयर पार्ट्स मिला के। जो मेरा खर्चा था वो 8000 समथिंग था, मतलब वही लगा लो 8400 समथिंग का पड़ गया था इनको, टोटल पूरा कॉस्ट बता रहा हूँ। और बहुत खुश होके गए हैं, और काफ़ी उनको अच्छा लगा हेडलाइट, मैंने आपको दिखाई कैसे तेज़ रोशनी है, कैसी हेडलाइट है, कैसे लेमिनेट हुआ सिमटेक का, कैसा मोबाइल स्टैंड है, उसमें 1 साल की गारंटी भी है, दो पार्किंग बल्ब लगाया है रेड और ब्लू, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बैकरेस्ट विद कैरियर काफ़ी मजबूत है, काफ़ी आप मतलब ये लगा लो अप्रोक्स 50 kg का वजन रख सकते हो उसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिसको भी करवाना हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए एक बार, और मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।